रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिस्टर नून, हाउ इज शी डॉक्टर? आपकी मदर को होश आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई नई दवाई ली थी, आप ही की कंपनी की। मैंने तो मना किया था। वो दवा तो बिल्कुल सेफ है, उसका साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। नर्सी जी, ये विजयपत नून सह परिवार यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी माँ बहुत सीरियस है, कोई गलत दवा ले ली शायद। दवा? हाँ, डायबिटीज की नई दवा ली थी कोई। धन्यवाद। Try to understand. इसमें investigation क्या करेंगे आप? अरे डॉक्टर, तुम हमारी बात सुन। माँ को चोट लगी, माँ के पास जो दवा मिली है वो मार्केट में ना आई अभी तक, तो भाई पूछताछ तो होके रहेगी, और जो केस बनेगा वो बनेगा बड़े बूढ़ों पर टॉर्चर का केस। नून के पास दवा बनवाने की परमिशन है, बेचने की ना है, और ऐसी दवा बड़े बूढ़ों को देना तो भाई अपराध है। इंस्पेक्टर, ये सब मैं नहीं जानता। अगर आपको शक है ना तो कीजिए इन्वेस्टिगेशंस, मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अरे वाजपेयी, बड़े लोगों की पार्टी में ना मिनिस्टर आवे, कार्ड चेक होवे और दवा चेक ना होवे। अब अगर आपको पार्टी में उस दिन आने दिया होता तो ये नौबत ना आती ना। अरे भाई जाने थे मन्ने, क्या कर रहा है? देख प्रेस वाले भी देख रहे हैं। सॉरी सर। अरे एक को देख लूंगा। मुझे दादी से मिलना है। दादी को सब लोग क्राउड नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुम दोनों के बोर्ड एग्जाम ईयर है, दादी को देखने के लिए हम सब हैं ना। चलो। नो नो, यू हैव टू कम। मैंने छोड़ के आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर छोड़ाएगा। नहीं, दोनों बहुत घबराए हुए हैं, मैं उन्हें छोड़ाती हूँ ना। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? डैड, दादी ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। डैड, हमारी ऑक्सीजन मेडिसिन पे रोक लगाने के लिए किसी ने केस कर दिया हमारे ऊपर। व्हाट? लेकिन क्यों? आई डोंट नो। अगले हफ्ते हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। नाउ दिस इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। डॉक्टर ने भी अभी यही कहा कि बेबे हमारी दवा खाकर बेहोश हुई। इसका मतलब हमारी दवा में प्रॉब्लम है। क्या मैंने जानबूझकर ऐसी दवा बनाई जिसे खाकर हमारी बेबे? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने खुद ही कहा था ना कि सारे डॉक्टर्स ने दवाई को अप्रूव किया है, और लैब के सब टेस्ट भी ठीक आए हैं। ऋतिक ने सारे अप्रूवल्स खुद लिए हैं। किसी भी डॉक्टर को इस दवा में कोई भी कमी नहीं लगी है। आप दवा को ब्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू श्वेब, थैंक्स अ लॉट। या गुड नाइट। पलक, न्यूज छप गई। चल अब तो सो जा यार, आधी रात हो गई है। उस ऋतिक नून की बर्बादी में खुद छपते हुए देखना चाहती थी। इतना हेट क्यों यार, आरवी की वजह से? आई नो। नहीं यार सेतु, तू भी मेरे बारे में यही सोचती है। तुझे पता है ना जब मैं 17 ईयर्स की थी और अक्की 14 ईयर्स का था, उसके साथ क्या हुआ था? मैंने अपने भाई को खो दिया था गलत दवाई की रिएक्शन की वजह से। मम्मा, मम्मा अक्की को क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा डॉक्टर कह रहे हैं हमने उसको कोई गलत दवा खिलाई है। हमने क्यों खिलाई उसको गलत दवा? मम्मा दवा रिएक्ट करना क्या होता है? मम्मा प्लीज बताओ। मम्मा अक्की, अक्की उठ जाना प्लीज। अक्की, अक्की प्लीज उठ जा, मुझसे बात कर प्लीज। अक्की, मैंने ना उसी दिन डिसाइड कर लिया था सेतु कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। ये करप्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैं बिना अप्रूव करे मेडिसिन नहीं लाने दूंगी। ये मेरी सिर्फ जॉब नहीं है सेतु, ये मेरी जिंदगी का गोल है। जो मेरे भाई के साथ हुआ मैं किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी, और इसके बीच में कोई आया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। And I'm there with you. Okay, no. इस फाइल में मेरी सारी फाइंडिंग्स हैं। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं। आपको अपने फॉर्मूला पे फिर से वर्क करना होगा। तुम्हारी मेडिसिन में फॉल्ट है। 11 डॉक्टर्स ने भले ही उसे अप्रूव कर दिया, बट शायद गलती एक ही बार दिखती है।
थैंक्स भाई, तू घर जाना, सुबह मिलते हैं। सर, सर आप यहाँ बैठे प्राइवेट रूम लेकर रेस्ट कर लीजिए या फिर घर चले जाइए सर, हमारे सीनियर डॉक्टर्स आपको कॉल करके बता ही देंगे। नहीं बेटे, अपनी माँ को यहाँ छोड़कर मुझे और किसी प्राइवेट कमरे में नींद नहीं आएगी। गलती मेरी है डैड, ये मेडिसिन मैंने ही अप्रूव करवाई थी, मेरी वजह से दादी हॉस्पिटल में। चल रिकी, होने सवारी की गल करनी। बेबे हमेशा कहती थी कि इंसान चाहे कितनी ही ऊंचाई को क्यों ना छू ले, उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अगर बेबे को कुछ हो गया तो मेरी जड़ों का क्या होगा, किससे जुड़ा रहूंगा मैं? सोफे पे सो जाएंगे। समझ गया सर, ये घर नहीं जा रहे क्योंकि इनकी माताजी सो रही, और आप यहां से हिल नहीं रहे क्योंकि आपके पिताजी उठ जाएंगे। आर्टिकल आ गया। ऋत्विक बेटा, ये पेपर में क्या छपा है? एक्सीजन के फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, ये बात पता थी हमें? बेटे यहाँ पर लिखा हमने रिश्वत देकर एक्सीजन को अप्रूव कराया है, और ये भी लिखा है कि केवाई लैब ने प्रेशर में आकर ये रिपोर्ट पास की है। पापा जी, नून बायोटेक के स्टॉक 20 पॉइंट गिर गए और मार्केट में भी बात आ गई। डैडी, ये सब उस डॉक्टर पलक की वजह से हो रहा है। She has a personal grudge against me. She's the clinical pharmacist at that KYA lab. उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया ये सब। सब उसकी वजह से है। मैंने भी गलत नहीं पुत्र। हमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना? डैड, हमारी दवाई को 19 experts ने अपनी मोहर लगाई है। All the best doctors around the world. फिर ये अकेली लड़की ने ऐसा क्यों किया? डैड, वो नहीं मान रही थी। I mean, मुझे कुछ तो करना ही था ना। So, मैं उसके सीनियर डॉक्टर के पास गया और उसी की भाषा में बात की मैंने। I had to do something. तो तूने ब्लैकमेल किया उसे, जबरदस्ती उसे रिपोर्ट पास करवाई? तूने ये सोचा भी कैसे देखी कि कोई ईमानदार डॉक्टर अपने? डैड, हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईमान की बात ही कहां से आई? वो लड़की अड़ गई थी, नहीं पास कर रही थी। तूने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि शायद वो डॉक्टर ठीक कह रही है, शायद हमारी दवाई में प्रॉब्लम है? तेरी इस बेवकूफी की वजह से बेबे आज हॉस्पिटल में। औरतों के लिए तेरे दिल में जो नफरत है ना, इट डज नॉट अलाउ यू टू थिंक रैशनली। सर जी, थारे खिलाफ रपट दर्ज कराई गई है कि आप खराब दवा देते हैं लोगों को। जी नहीं, मारा मतलब आप तो ठहरे बड़े आदमी, थारी पार्टी में तो बड़े बड़े लोग आवे हैं। अरे भाई, मैंने तो सुना है बंदा धंधे के लिए कुछ भी कर सके, लेकिन खराब दवा देकर अपनी माँ को यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे भाई, केस तो बनता है। सर जी, क्या अजीब सी। छोरे, तू रहने दे, कंपनी का मालिक कौन? यो, और यो है बड़ा आदमी। अरे सर जी, थोड़ा ध्यान अपनी दवा पे दे देते तो आज ये नौबत ना आती। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। आप क्यों जाएंगे? गलती मेरी है ना। मैं कंपनी मेरी है और मेरे जाने बिना इस कंपनी में कुछ नहीं होता। डैड, ऋषभ को डैड, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? डैड, लेट मी गो। डैड, आप क्यों जा रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मेरी गलती है। डैड, आई विल हैंडल दिस रिकी, तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखना बस। मिस्टर नून, क्या ये बात सच है कि आपकी नून बायोटेक मेडिसिन लेने की वजह से आपकी माँ आज हॉस्पिटल में है? सर, आपने रिश्वत दी इस मेडिसिन को पास करवाने के लिए? सर, आप कैसे कर सकते हैं अपनी माँ और आम जनता के साथ? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ऐसे जाने सकते हैं? बताइए, कुछ तो बताइए हमें। ब्रेड पकौड़े ले आऊंगा और कुछ? एक मिनट जी। हाँ जी, समोसे भी लेते हैं। हाँ जी पापा, जल्दी। अरे बेटा, पाँच मिनट। सिद्धू, कोई अपडेट आया? ये देख, विजय पत्नी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इनको क्यों यार? ऋत्विक में उनकी गलती थी ना, उनको क्यों जेल लेके गए और उसने डैड को जाने दिया जेल? व्हाट अ लूजर यार, ये इंसान अपनी फैमिली का भी नहीं है। सीरियसली, हमें तो पेपर में आर्टिकल डालना था, हमने डाल दिया।
अब कोई ना कोई तो केस करेगा राइट? But this is wrong या सेतु। Come, let's go in it. अरे वो फोन लगेगा तो टेंशन मत ले, we'll just solve this out. Shit man, मेरी वजह से डैड यहाँ बैठे हुए हैं। यो बात ये है सर जी, अब थारे को यहाँ से तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं। थारे ऊपर नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, मेरा जान जा सकती थी किसी की, खराब दवा खाकर बड़ी मुसीबत में आ गए आप। चलिए सर, सर मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, इट्स माय फॉल्ट सर। इनको क्यों अंदर लेके जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अमरचंद दीवान जी, मैं विश्वान को फोन करो, ही विल टेक केयर ऑफ। हेलो विश्वान, ऋतिक नून। साची का फोन था, हॉस्पिटल में सब ठीक है ना? हाँ दादी अभी भी क्रिटिकल है, बट शिवम सुना है ये लोग सब है वहाँ पे। When they come back, I'll don't worry. तुम्हारे पापा का फोन भी नहीं लग रहा है, कम से कम वो तो फोन कर सकते थे ना मुझे। माँ मैं पृथ्वी को ट्राई कर रहा हूँ, I'll just talk to him. माँ माँ कमिश्नर अंकल से बात हो गई है, वो सीधा वहीं आ रहे हैं। बेटा तुमने उन्हें बताया ना कि पापा अभी जेल में है? किसका रेफरेंस दिया? समर के पापा का। समर तुम्हारे पापा कमिश्नर साहब को अच्छी तरह जानते हैं ना? रिलैक्स राइट, हम सबको टेंशन में सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना। व्हाट द हेल यार, ये ऋत्विक और अमन फोन ही नहीं उठा रहे, कम से कम इस वक्त तो फोन उठाना चाहिए। मैम मैं जाके प्रेस को हैंडल करती हूँ, मैं बोल दूंगी हमें कुछ नहीं पता है, इट्स ऑल रियल। वैसे भी पा को गलत चार्जेस में लेकर गए हैं, लोग तो ये भी सोचेंगे कि हमने ये सब जानबूझ के किया है, दे विल थिंक पा इज अ चीट। लोग सोचेंगे हमने ये सब, लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोग क्या कहें या प्रेस क्या सोचे उसकी हम चिंता क्यों करें? मुझे चिंता इस बात की है कि तुम्हारे पापा जेल में हैं और दादी हॉस्पिटल में हैं, और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि हमारी कंपनी की बनाई हुई ये नई दवा, क्या सचमुच उसमें कोई प्रॉब्लम है? I love you, bacha. I don't want to see you cry, okay? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। घर में सबकी क्या हालत हो रही होगी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। You have to take care of everyone else. और हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर कोई मिलने आए, खास करके ममता। Come on. Be strong. Yes, sir. Sir. देखिए बिना किसी वार्निंग या वारंट के इन्होंने पापा जी को इस तरह से लॉकअप में बंद कर रखा है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सिंह को बोला, बोलो लॉकअप। इंस्पेक्टर सिंह, किसके कहने से तुमने बीपी को लॉकअप में डाला? सर मुन्ने खबर मिली थी कि जय अनटेस्टेड वारंट था। नहीं था, किसी सीनियर से बात की? नहीं की। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ना सर जी। हाँ तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे पास पावर है तो उस पावर का मिसयूज किया जाए, करेक्ट? यो बात ना है सर। शट अप, out of my sight. I'm sorry VP again. Are you okay? I'm fine. Thank you for coming. Come. वैसे तफ्तीश के लिए पूछताछ की जरूरत पड़ी तो प्लीज आस्क योर ऑफिसर्स टू कॉल मी पर्सनली। वी विल बी हैप्पी टू कोऑपरेट विद यू। रिलैक्स VP. देख किसी ने तेरे खुन्नस निकाली है, समझा ना? क्योंकि बड़े-बड़े लोगों के बड़े-बड़े दुश्मन होते हैं। आई नो यू डोंट बिलीव इन दिस पर्सनली, तेरी नजर में सभी अच्छे हैं। देख आंटी हॉस्पिटल उस दवा की रिएक्शन के कारण पहुंची या किसी और वजह से, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, किसी भी दवा का केमिकल एनालिसिस ओवरनाइट नहीं होता है, ये किसी की चाल है तुझे फंसाने के लिए। मैंने रिपोर्ट्स देखी है तेरी, उसमें 19 बड़े डॉक्टरों का साइन है, राइट? कुछ गलतियां मेरे बेटे से भी हुई हैं। नून बायोटेक इज गोइंग टू इनिशिएट इट्स ओन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन फिलहाल कोई केस नहीं बनता है वीपी, क्योंकि दवा मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। एंड बीइंग द ओनर ऑफ दिस कंपनी, उसके सैंपल्स तेरे घर में पड़े हुए थे और एक्सीडेंटली आंटी ने उन्हें धोखे से कंज्यूम कर लिया। फिर भी कोई केस नहीं बनता। लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस है तेरे लिए पीपी, इस दवा को लॉन्च करने के पहले इसे चेक जरूर करवा लेना। वैसे कहते हैं ना, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो माँ हमेशा बचा लेती है। देख तुझे भी तेरी माँ ने ही बचाया ना। बाय द वे गुड न्यूज है तेरे लिए, डॉक्टर से बात हुई है, शी इज फाइन नाउ। Baby is fine. That is okay. Thank you so much. That's really good news. Tu bhi ja, relax ja.
थैंक यू थैंक यू तू शॉर्ट कर लो इसका सारा मैं फोन कर यहाँ पे बताया मैं ओके मॉम ममता मुझे कब बताने वाले थे तुम कैसे आई हो ऋषभ कहाँ है क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ मुझे ड्राइव करना आता है ममता जी तुसी हुई है ना तुसी दसो मैनू ये सब टीवी से पता चला गया मुझे इट्स ब्रेकिंग न्यूज इट्स ऑल ओवर द चैनल्स एक फोन करना जरूरी नहीं समझा हमने सोचा कि आप परेशान होंगी और अब बहुत खुश हूँ टीवी पर देखकर ऋत्विक तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है तुम्हें लगा डैड ने कंपनी दे दी चलो अनलिमिटेड पावर जैसे चलानी है चलाओ एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी रेप्रिकेशंस क्या हो सकती हैं ममता जो कुछ भी हुआ उसमें ऋत्विक की गलती नहीं है अब आप उसकी गलतियों को कवर मत करिए सीखने दो इसे तुम्हें लगा कि डैड की दवा है मजाल है कि कोई मना कर सके बाय हुक और बाय क्रुक में उसे पास करवा ही लेता हूं अब ये क्या बोल रही हो इट्स अ ग्रज अगेंस्ट मी वो डॉक्टर पलक शी इज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो बदला ले रही है मुझसे उसने कहा तुमसे नहीं पर वो घर आई थी आप नहीं जानती हो इस तरह की लड़कियों को मैम लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें इतनी नफरत है लड़कियों से कि तुम रियलाइज ही नहीं करते कि तुम कितना अज्यूम कर रहे हो मॉम प्लीज दिस इज नॉट द केस तुमने कुछ ही मुलाकातों में ये तय कर लिया कि वो लड़की कैसी है कौन है क्या चाहती है तुमसे सब कुछ ममता ऋत्विक वो देखिए आप फिर से इसकी तरफदारी मत करिए ऋत्विक ये जो हमारा स्टॉक है ना वो फिर से खड़ा हो जाएगा और मार्केट में कुछ दिनों के बाद हमारा ब्रांड फिर से चल पड़ेगा पर तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर कुछ जाने चली जाती ना तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते अपनी नजरों में गिर जाते तुम ममता ठीक कह रही है ऋत्विक तुम्हारे साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भुला नहीं पाए देखिए मेरी एक बात याद रखना मेरे साथ और भी बुरा हुआ था लेकिन अगर आज मैं खुश हूं तो वो ममता की वजह से है ये डॉक्टर कौन है मैं ये नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ ये मैं जानना नहीं चाहता लेकिन अगर इस डॉक्टर को हमारे किसी भी पेटेंट पर कोई डाउट है तो ये डाउट क्लियर करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिर चाहे 150 एक्सपर्ट की ओपिनियन हमें क्यों ना फेवर करती We have to get this doubt sorted out. Do I make myself clear? ये लड़की स्मार्ट है इंटेलिजेंट है और ऑब्वियसली बहुत ब्रेव भी है Somebody like this should be working for Noon Biotech. Dad, one minute. You're overreacting. Dad, वो लड़की जानबूझ के ये सब कर रही है आप where are you taking this? She's not working with us, Dad. Dad, वो मुझे हार्म करने के लिए कुछ भी करेगी ऋत्विक अपनी गलती सुधारो जो डैड कह रहे हैं वो करो लेकिन ठंडे दिमाग से अदब से तमीज से दादी थैंक गॉड मुझे तो लगा कि आप गए कुत्ते ओए मैं किथे जाना है तेरा ब्याह करा के तेरी पुत्रियों को देख के जावांगी समझा दादी आप अपना देख लो इससे मत एक्सपेक्ट करो मुझे नहीं लगता इससे होने दादी हमारे इसमें ना बहुत खोट है ये मेरा खून है ऐसा किसा होगा हो ही नहीं सकता दी और रॉक स्टार पूरे दिल्ली को आपने खड़का दिया था एक दिन सब ठीक चलो घर जल्दी वो ऑफिस में काम वाम नहीं है जाओ ना मैं अभी आ रहा था डॉक्टर आपसे एक बात करनी थी जो हमारी मेडिसिन है उसकी वजह से दादी की जो हालत हुई है आपकी आपकी डायग्नोसिस में क्या है टू बी ऑनेस्ट नथिंग उस न्यूज की वजह से इंस्पेक्टर ने मौके का फायदा उठाया यू नो हाउ दिस गाइस आर मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या हमारी कंपनी की दवाई खा के दादी की ये हालत हुई है आई डोंट थिंक सो ये सब मेडिकेशन की वजह से हुआ है सी शी इज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन उनके बीपी और शुगर रिपोर्ट्स तो मैंने फाइल कर चुके हैं मैं उन्हें आराम की जरूरत है ऋत्विक कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे मिनिमम 2 दिन उसके बाद उनकी अगर हालत अच्छी है तो ले जा सकते हैं आप थैंक यू डॉक्टर हे बड़ी हाउ यू डूइंग मुझसे गलती हो गई यार क्या हुआ रियली सॉरी आई मिस्ड ब्रो क्या हुआ बोल कुछ यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा अरे बोलना यार क्या हुआ इज एवरीथिंग ओके उस रात वो लड़की आई थी ना पार्टी में सेतु वो जर्नलिस्ट और वो पलक की दोस्त आई एम रियली सॉरी यार ऋत्विक मैं उसको इंप्रेस करने के चक्कर में मैंने सब कुछ बोल दिया वो डॉक्टर डॉक्टर को ब्लैकमेल वो दवाई का लॉन्च डूड आर यू स्टूपिड डैड लॉकअप में थे ब्रो उनको जेल होने वाली थी तेरी वजह से
पर जर्नलिस्ट को ट्रेड सीक्रेट कौन बताता है यार जाके? कुछ बचा है वो भी बताते जाके उसको। इन लड़कियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में ना तुम लोग हमेशा ये स्टुपिडिटीज करते हो। तेरी उस फ्रेंड ने ना पलक को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड? डैड ने बोला है कि पलक हमारे साथ काम करेगी। दिस इज व्हाट्स हैपेंड थैंक्स टू यू। सॉरी हरीश। नाउ डोंट बी सॉरी, गॉड डैमिट, यू गॉट यूज्ड एंड दैट टू बाय अ गर्ल। हमेशा तो जो मैंने यही कहा कि लड़कियों से दूर आकर। उसने मेरे डैड को पुलिस स्टेशन भेजा है। जितने आंसू कल डैड ने बहाए थे ना, अब वो बहाएगी। जेल भेजना था ना डैड को। Now I'll show her what jail is. बस वो मेरी जॉब ऑफर ले ले। तू उसे जॉब ऑफर करेगा फिर? एक्सपोज करूंगा उसे। उसे मीडिया ट्रायल देखना ना। आई विल शो हर व्हाट अ मीडिया ट्रायल इज। डॉक्टर ने अभी कंफर्म किया कि हमारी दवाई की वजह से दादी को कुछ नहीं हुआ है। अगर उस लड़की को मैंने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस अब वो मेरा जॉब ऑफर ले ले। प्लीज यार ऋतिक। हाँ किया मैंने डॉक्टर रेड्डी को ब्लैकमेल। एंड डोंट गिव अ डैम। यू नो व्हाई? क्योंकि 19 मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अप्रूव्ड अ मेडिसिन। इसीलिए मैंने ये सब किया और इस लड़की ने सारी दुनिया के सामने मुझे गलत ठहराया। नहीं यार ऋतिक, गलती मेरी भी है, मत कर ऐसा। एक दिन में काम से भागेगी वो। उसे लाऊंगा मैं, लेकिन वापस जाने के लिए पैर पड़ेगी वो मेरे। प्लीड करेगी दैट शी वाज रॉन्ग एंड आई वाज राइट। वेट एंड वॉच। ऋषभ कहाँ है? मॉम शावर ले रहा है, आ ही रहा है। हाँ लेकिन प्रभाकर इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। उनसे कहो कि बाद में आ जाए। क्या हुआ? मीडिया वालों ने बाहर अपना जमकर बिछा रखा है। इतनी सवेरे सवेरे वो भी कार से बाहर। अरे तो क्या हुआ, उन्हें भी तो अपना अखबार बेचना है ना। और ये 24 घंटे न्यूज चैनल, न्यूज कहाँ से लाएंगे? आप चाहिए और स्टेटमेंट दे दीजिए। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट देकर। मेरी लाइफ स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे अपनी लाइफ में। मेरे करियर की शुरुआत एक फार्मा कंपनी से हुई, जहाँ पर मैं एक मामूली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। अपनी कंपनी की दवाइयों को बेचने के लिए कई जूते घसने पड़े मुझे। इस कड़ी मेहनत से जो एक्सपीरियंस कमाया मैंने, उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपनी खुद की नई एजेंसी खोली और उसके कई सालों के बाद नून बायोटेक का जन्म। नून बायोटेक की ताकत हमारा तजुर्बा, हमारी रिसर्च और हमारी ईमानदारी है। और इसी वजह से दुनिया भर के डॉक्टर हमारी इज्जत करते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। और आज आप सब ये मीडिया वाले हम पर ये उंगली उठाकर हमें बुरा और इमोरल साबित करना चाहते हो, मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहाँ थे आप लोग जब हमने कड़ी रिसर्च के बाद एक ऐसी जेनेरिक ड्रग निकाली जिसकी वजह से इंडिया में कैंसर की दवाइयों के दाम आधे से भी ज़्यादा गिर गए? कहाँ थे आप लोग जब हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए एक ऐसी दवाई निकाली जिसकी वजह से आज तक लाखों करोड़ों लोगों की जानें बची हैं? और रहा इस नई दवाई का सवाल जिसकी वजह से आप सब लोग आज यहाँ हैं, मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सिर्फ कड़ी से कड़ी टेस्ट पास करने के बाद ये दवाई मार्केट में लॉन्च होगी, उसके पहले नहीं। बाय सर। हाउ वाज इट? आज मुझे आप पे बहुत गर्व हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि आपने हमारी मेडिसिन की लॉन्च को रोक दिया, और इसलिए भी नहीं कि आपने ऋत्विक को प्रोटेक्ट किया, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी गलती मानी और आपने झूठ को सच बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे बच्चों को बिल्कुल आप जैसा बनना है। हमारे बच्चे मुझसे ज्यादा तुमसे सीखेंगे। सही और गलत का फर्क तुमसे बेहतर कौन जानता है? हाँ पर कल ऋत्विक को मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया ना। माँ के प्यार में भी प्यार होता है और माँ की डांट में भी प्यार होता है। ऋत्विक बहुत समझदार है, इस बात को समझता है वो। हाँ। अब मुझे भूख लग रही है, चलो ना यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तू बता कैसी चल रही है तेरी जॉब? तू सेट हो गई वहाँ पे? इट्स अमेजिंग एंड माय बॉस ही सो क्यूट यार। ऐसे काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? जॉब चली गई। ओह नो। छोड़ने आई सब। तू बता मुंबई का वेदर कैसा है? यहाँ तो अभी भी हल्की हल्की ठंड हो रही है। तेरी जॉब कैसी छूटी? इट डजंट मैटर यार। जॉब छूट गई सो छूट गई, पर गलत आदमी जीत गया ना वो प्रॉब्लम है। तू पागल है क्या यार? फलक तू हमेशा से सही रही है। इनफैक्ट तेरी एडवाइस की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। यू आर ऑलवेज राइट एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ओके आई थिंक मॉम है गेट पे, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस सकते हो? हेलो तुम कहाँ जा रहे हो? निकले, तुम निकले।
यहाँ से, निकलो इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तो बुला लो ना यार, वैसे भी तुम मिडिल क्लास लड़के और कर क्या सकते हो, पुलिस बुला लो, प्रेस बुला लो, एक ही तो कार्ड है तुम लोगों के पास, रिच बॉय ट्रबलिंग पुअर गर्ल, तो ये टीवी सीरियल्स कम। जस्ट शट अप, इससे पहले कि मेरी मॉम वापस आ जाए और मेरे डैड उठ जाए। ओ उठे नहीं अंकल, उठाओ ना उनको, मालूम है तुमने क्या किया, आर्टिकल छपवाया, जॉब छोड़ी। उन्हें पता नहीं है लेकिन अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो दे विल बी प्राउड, मैंने एक रॉन्ग मेडिकेशन रुकवाई है, लोगों की जान। पापा को ऑलमोस्ट जेल भिजवा दिया था। I have a proposition for you. Join our company. बहुत शौक है ना तुम्हें सिखाने का, आओ सिखा। वैसे भी डैड ने कहा कि जब तक तुम अप्रूवल नहीं दोगी तब तक हमारी मेडिसिन मार्केट में नहीं जा सकते। So that's why you're pissed. तुम्हारे डैड को तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है। तुमने बताया अपने डैड को, तुमने डॉक्टर रेड्डी को ब्लैकमेल करके मेडिसिन अप्रूव करवाई है। हाँ, तुम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, तुम लोगों की जान बचानी चाहिए, तुम लोगों की जान रिस्क पर डाल रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी खुद की दादी हॉस्पिटल में। That drug had got nothing to do with my grandmother. डॉक्टर ने दो बार कंफर्म किया, तुम्हें भी चाहिए कंफर्मेशन, रिपोर्ट चेक कर लो। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। देन प्रूव मी रॉन्ग, जॉइन माय कंपनी, मेरे मेडिकल एक्सपर्ट्स को रॉन्ग प्रूफ करो, ये करना चाहती थी। क्या हुआ, नहीं तो इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया, ईगो के लिए। प्रूव मी रॉन्ग एंड आई प्रॉमिस यू, नून बायोटिक्स में से कोई भी नई मेडिसिन तुम्हारी अप्रूवल के बिना मार्केट में नहीं जाएगी। नाउ दैट इज कॉल्ड रॉन्ग। मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना, गेट आउट ऑफ माय हाउस। ओ प्लीज डोंट इवन बॉदर, ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास जो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ट्रस्ट मी आई हैव सीन वे बेटर। ये नहीं भी होता ना, मुड़ के नहीं देखता तुम्हारी तरह। नून बायोटिक्स इंडिया की नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी, वी हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। लेट आओगी पैसे कटेंगे, डोंट बी लेट। Hello, Ricky. Hey, Samira. Where are you? I have just reached home from the airport. I'll see you in 20 minutes. 20 minutes. Okay. Dear Palak, you were sounding upset. So I wanted to send you this message. Please, इसे सुनना. Life ना किस मोड़ पे क्या देती है, हमें नहीं पता. कब इंसान को मायूस कर देती है हमें नहीं पता, कब दिल टूटता है हमें नहीं पता। ओ प्लीज डोंट इवन बॉदर, ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास जो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ट्रस्ट मी आई हैव सीन वे बेटर। क्यों किसी की एक चीज पर हमें इतना गुस्सा आता है हमें नहीं पता। सत श्री अकाल भैन जी, बड़ी ठंड है जी, कैसे हो जी? भैया मैनू भी दे दो। ओए 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 भैया जी, हैं आपके तो ना हर काम में मिलावट है, वो जी मलाई कितने है, पड़ोसन को दे आए क्या? आजकल हर जवान लड़की वाले स्कीम मिल्क ही मांगते हैं। इसकी नजर तो मेरी पूरी पे। ओ बाप, भैया आप ना बेकार की बातें कम करो और मलाई पर ध्यान दो। आए बड़े एवे ही बोल रहे, बस कुछ ना कुछ बोल। तो बस यही कहा। तो इशू क्या है, कर लेना जॉब। पापा आई डोंट लाइक इट, और जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ काम करो। अरे वो हाँ, तूने कुछ कागज रखे थे ना बाल विकास एनजीओ के, कुछ बात बनी? पापा कर रही हूँ, धीरे धीरे होगा। दिन रात काम करती है, 20 बच्चों की दवाई का खर्चा चाहिए इन्हें और वैक्सीनेशन अलग, और तू जानती है इन सब फार्मा कंपनीज के पास कितना पैसा है। पर पापा उन सबको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उन लोगों को कहाँ मतलब है किसी भी हेल्प करने से। हर कंपनी के पास सीएसआर का बजट होता है और हर कंपनी चाहती है कि किसी न किसी चैरिटी के साथ उसका नाम जोड़े। तू उनके साथ काम करेगी तो मेबी यू कैन पोस्ट देम, ये सोच। पर पापा अगर मैं करूंगी भी ना तो वो। देख बेटा देख, देख घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली सीधी, और टेढ़ी से निकले तो टेढ़ी। अरे मोटी सैलरी मांगना, देख भाई तू जो कमाएगी वो तो अच्छे काम पे लगाएगी लगाएगी, और उन पर जोर डालकर उनके जमीर को भी थोड़ा जगा सकती है कि नहीं? आप सही कह रहे हो पापा, मुझे जॉब ले लेनी चाहिए। मैं ऋतिक नून को फोन करके हाँ कर दूँ तो शुभ काम में देरी कैसी? ये बात। मैं अभी ना छवि को कॉल करके आती हूँ। माँ को पराठे के लिए बोल दियो। जी पापा।
हाय चावी, डॉक्टर पालक, मैं एनजीओ के 20 बच्चों की दवाई स्पॉन्सर करूंगी। यस, आई नो फॉर्मेलिटी। इनफैक्ट तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पूरे साल की दवाई स्पॉन्सर करवाऊंगी। आई प्रॉमिस। ओके बाय। वो लाइन क्या थी? क्या लाइन? The sex was so good, the neighbors lit a cigarette. पूरी रात भी डेड, अभी तक यू ऑन। तुम कैच अप कर पाओगी? वैसे आज बहुत गुस्से में थे। I don't see you complaining. I can handle it. ऐसे मैं तुम्हारे माइंड की बात कर रही। I know you for 7 years. अच्छी तरह से जानती हूँ जब तुम यहाँ आते हो तो अपना दिल और दिमाग दोनों कहीं और छोड़ के आते हो। आज ट्राई किया पर कुछ परेशानी थी। कितनी बार कहा मुझे मेंटली एनालाइज मत किया करो। डर मत, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं हमारा अरेंजमेंट जानती हूँ। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही शौक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का। I am just asking as a friend. वो लड़की, that bloody bitch, गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया उसने। डैड को लॉकअप में भिजवाया उसने। मेडिसिन की लॉन्च रोक दी उसने मेरी। हाँ, तुम किसी लड़की की वजह से परेशान हो? उसने मेरी फैमिली के साथ मेस किया। And you love your family, I get it. पर एक लड़के तुम में इतना पैशन कैसे जगा गई? तुम तो किसी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देते हो। मेंटली किसी के बारे में सोचते तक नहीं हो। But this one she's got you. Stop analyzing me. तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है उसने। और यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और जब वो यहाँ तक पहुँच गई है तो यहाँ तक पहुँचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? I hate her. तभी तो कह रही हूँ। पता है लव का ऑपोजिट हेट नहीं होता, लव का ऑपोजिट होता है इंडिफरेंस। जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़े तो समझो इट्स ओवर। पर हेट, हेट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। और कब हेट लव में बदल जाए? Will you shut up? Sorry यार, हमारा रिश्ता ऑनेस्टी का है। और देखा है मैंने तुम्हें, तुम हर चीज में परफेक्ट हो। परफेक्ट सन, परफेक्ट ब्रदर, फैमिली बिजनेस में नंबर वन, दोस्ती निभाने में नंबर वन। But you suck as a boyfriend. बस यही एक रिश्ता है जो तुमसे नहीं निपटा। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें आता ही नहीं है। Because you don't trust any woman. ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में रिकी, जो तुम किसी औरत पे ट्रस्ट नहीं करते? आज जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ वो जिंदगी भर याद रखना। तुम इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे पापा से मैंने इसलिए शादी की थी कि मुझे लगा कि वो कुछ बनेंगे, लेकिन उनके साथ मुझे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही मिली है। एक छोटा सा मकान जहाँ सांस लेने के लिए भी घुटन होती है। जब सांस लेने के लिए घुटन होना तो प्यार जैसी मोटी बड़ी चीजें कुछ याद नहीं रहती। पर मम्मा आप तो मुझे प्यार करने हो ना। सिर्फ प्यार काफी नहीं होता ऋत्विक, झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि प्यार काफी होता है। जब गरीबी और तकलीफें आती हैं तो कम पड़ जाता है प्यार। तुम्हारे पापा एक हारे हुए इंसान है और मैं हारी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को बहुत सी बातें सिखाती है, दुनिया के हर दुख से हर दर्द से बचाती है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। ये प्यार, ये परिवार तब अच्छा लगता है जब पैसे हो। ये सब कमजोर लोगों की निशानी और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो ये समझना कि मैं हार मान गई। मैं पलक शर्मा, KYA की फार्मासिस्ट। जानता हूँ, बोलो। तुमने जॉब ऑफर दिया था, मुझे मंजूर है। गुड।
पर पहले सैलरी डिस्कस कर लें। श्योर, व्हाट डू यू हैव इन माइंड? इतनी बड़ी कंपनी में क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे तो सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। 3 गुना, राइट? व्हाट? नो, नो नीड। मेरी पुरानी जॉब की सैलरी वाज वेरी गुड। पर तुम जैसे आदमी को टॉलरेट करने के लिए मुझे 10% और चाहिए। इट्स अ डील। तो मैं कल से ज्वाइन कर रही हूं। सुपर। कितना अजीब आदमी है। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। जो मुसीबत आरोह से शुरू हुई थी ना, वो मेरे सर पड़ गई है। मैं तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है, आई मीन अच्छा है तेरे लिए यार। अच्छा है क्या? अच्छा है इसमें बताइयो। मुझे उस घटिया आदमी की शक्ल रोज देखनी पड़ेगी। एरोगेंट, बदतमीज रही ज्यादा। पर फिर पापा ने बोला कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, मुझे सेल्फिश होना होगा। इसमें क्या सेल्फिश है? अरे तू 20 के बच्चों की हेल्प कर रही है, तू जॉब कर रही है तो चिल कर। और वैसे भी जॉब में हजार तरह के लोग मिलते हैं, और वैसे भी यार वो ऑफिस में आने नहीं वाला है, इतना प्लेबॉय टाइप का लड़का है, यू डोंट हैव टू डील विद हिम टू मच। तुझे पता है आज मैंने उसको कॉल किया सैलरी नेगोशिएट करने के लिए, उसने क्या बोला? 3 गुना सैलरी ले लो। आई मीन लगान है क्या यार, 3 गुना ले लो। तो तूने 3 गुना लगान सैलरी एक्सेप्ट की? नहीं। क्यों? कर लेती, उसमें क्या था यार? हमारी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में हम लड़कियों को सिखाया जाता है अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा नीचे रखना। वी हैव टू प्रूव इट। अगर इसकी जगह कोई लड़का होता ना, वो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेता। बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, इट्स इनफ फॉर मी। गुड मॉर्निंग सर। टाइम गलत है इस घड़ी में। ओके सर। ब्रो। हे, व्हाट्स अप? रिसेप्शनिस्ट? रियली? अरे छोड़ना यार, तू बता मुर्दों वाली शक्ल क्यों बनाई है तूने? माइंड फ्राइड है मेरा। दारू ज्यादा हो गई क्या कल की? सर दर्द हो रहा है, गंदा वाला सर दर्द हो रहा है मेरा। अरे मेरी हेडेक आ रही है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहा था ना मैंने, सबकी कीमत होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन सबकी कीमत होती है। बहुत आदर्शवादी बन रही थी ना, अब आई ना पैसों के लिए, अब देखो उसका क्या हाल होता है। सर आपके अपॉइंटमेंट। थैंक्स सर। मेडिसिन? हाँ, थैंक्स अ लॉट। वो अमन, हमारे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज कितनी हैं? अबाउट 370। क्यों? सबको 1 महीने के लिए पेड लीव पे भेजते हैं। क्या? हमारे ऑफिस की जितनी भी फीमेल रेस्ट रूम्स हैं उन्हें रेनोवेशन की जरूरत है, और ऐसे में हम अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को इनकन्वीनियंस थोड़ी दे सकते हैं, करेक्ट? तो सबको पेड लीव पे भेज देना, एक्सेप्ट फॉर वन। यार तू क्यों कर रहा है ये सब? उसने जो करना था उसने कर लिया ना, अब मेरी बारी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सेतु, मतलब मैंने हमेशा हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने कभी ऑफिस में काम नहीं किया। लेबोरेटरीज में R&D टेस्टिंग होगी, बट यू नो इसमें सेलिंग है, पेशेंट्स नहीं है, बहुत अजीब सा है। आज सूरज कहाँ से निकला है? तो क्या बात कर रही है? आज मुझे लगता है सूरज वेस्ट से निकला होगा, बिकॉज पहली बार मुझे पलक शर्मा किसी लड़की के नाम पर नर्वस लग रही है। यो मैन, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ओह रियली? यस। तभी तो ये 3 कपकेक और ये 2 कॉफी डकार चुकी है। आई डोंट केयर, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर इग्नोर करना, वो नेगेटिव बंदा है यार। अरे नेगेटिव है तो नेगेटिव भी खत्म करना, तुझे पता है ना नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव। यो मैन, यू हैव गॉन मैड। देख, तू ऋतिक के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। एंड पलक, मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो हो रहा है। हाँ, मेरा मूड खराब हो रहा है सेतु। बट वी नो कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी होती है हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तू ना अपनी फिलॉसफी रहने दे, और प्लीज़ आप बिल ले आएंगे। मेरे जॉब करने के सिर्फ 2 रीजंस हैं, एक मुझे उस गला दवा को मार्केट में आने से रोकना है, और दूसरा अपने NGO के बच्चों के लिए मुझे 1 साल का इंतजाम करना है। दैट्स इट। ये होते ही ना इस जॉब को मैं टाटा बाय बाय बोल दूंगी, दैट्स इट। और उसमें महीनों लग जाएंगे, और उन महीनों में क्या होगा वी डोंट नो। तो मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा, तो और बकवास कर। ये महीने कैसे निकलेंगे आई डोंट नो। ऋत्विक, इसको तोड़ के रेनोवेट करने में महीना लग जाएगा यार पूरा। तभी तो सारी फीमेल स्टाफ को 1 महीने की पेड लीव दे दी, बेचारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। और अब एक नए दिन की शुरुआत करेंगी डॉक्टर पलक शर्मा। तोड़ दो प्लीज, ब्रांड न्यू बनाएंगे। पॉजिटिव पलक, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इस ऑफिस में सिर्फ मर्द काम करते हैं? पलक। हाय। हाय, मेरा नाम अमन रस्तोगी है, मैं नून बायोटेक का जनरल मैनेजर हूँ। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं थैंक्स, मुझे पूछा था मेरा डेस्क कहाँ पे है। जरूर, मैं आपको ओरिएंटेशन देता हूँ। कब? और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कब?
और ये है हमारी मेन टेस्टिंग लैब। हमारे कंट्री के कुछ फाइनेस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। I'm so sorry, sir. काफी अच्छा सेटअप है। थैंक्स। चले? तो ये हमारा R&D डिपार्टमेंट। हमारे सारे डॉक्टर्स और केमिस्ट यहीं पे मिलके काम करते हैं और किसी भी दवा को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उन पे टेस्टिंग यहीं होती है। Impressive. और वहाँ वो जो दरवाजा देख रही हैं आप, वहाँ पे है हमारा HR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या? Excuse me. क्या? आपके ऑफिस में कोई फीमेल एम्प्लॉइज नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है, पर फिलहाल वो सब छुट्टी पे। सब छुट्टी पे? जी, वो असल में क्या है कि हमारी ये जो पूरी ऑफिस की बिल्डिंग है तो उसमें जितने भी फीमेल बाथरूम्स है वो सबका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो तब तक के लिए हमने उन सबको छुट्टी दे दी। सारे वॉशरूम रेनोवेशंस पे, आई मीन ये बिल्डिंग 5 फ्लोर्स की है। जी, बट फिलहाल तो सारे वॉशरूम रेनोवेशन पे है। स्ट्रेंज। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको वॉशरूम यूज करना है ना तो यहाँ से 2 ब्लॉक दूर ना एक बहुत ही अच्छा कैफे, तो उसका वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं। ओके। और बाय द वे, अगर आप सेटल और कंफर्टेबल हो गई है ना तो बॉस ने आपको याद किया। ठीक है। May I? Of course. First day at work. Welcome. I hope you like it here. उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी जॉब पसंद आए। उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी चीज होती है। पर मेरी उम्मीद सिर्फ यही है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। Wonderful. Sit. आज बहुत ठंड है बाहर। ओह, आई एम सो सॉरी। कॉफी? सारे फीमेल वॉशरूम तो टूटे हुए हैं। अगर मैं कॉफी पीऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बाद में पीऊंगी। थैंक यू। श्योर? लव यू। यू नो, ठंड में लिक्विड जरूर पीनी चाहिए। वार्म, कोल्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिक्विड्स। नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। एनीवे, आई विल सी यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। Cheers, Dr. Palak. तुम्हें लिक्विड्स पीने की इंपॉर्टेंस मैं सिखाऊंगा। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट एक्सीजन। इस दवाई को हम इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहते थे। दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि आज तक इस प्रोडक्ट के फॉर्मूला को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। एंड फॉर दैट रीजन ये दवाई इंडिया में बहुत महंगी बनती है, एंड ऑब्वियसली द पुअर कांट अफोर्ड इट। नून बायोटेक का ये सपना था कि हम इस दवाई को जेनेरिक फॉर्म में इंडिया में लॉन्च करें। इस रूम में बैठे सभी बड़े साइंटिस्ट को इस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन, डॉक्टर पालक। वेलकम। नून बायोटेक्स की टीम को पहली बार किसी ने चैलेंज किया, एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। हम पीछे नहीं हटेंगे। नून बायोटेक्स में हम हमेशा टॉप नॉच डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को हायर करते हैं। हमारी R&D टीम सालों तक एक ड्रग पर रिसर्च करती है और फिर वो ड्रग मार्केट में जाती है। हमारे हेड साइंटिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने हमें कभी भी लेट डाउन नहीं किया। कॉफी ठंडी हो रही है मैडम? नो, आई एम फाइन, थैंक्स। ऋत्विक, एक्सक्यूज मी प्लीज, टू मच कॉफी। मैं एक लू ब्रेक लेकर आता हूं। श्योर सर। तो मैं कह रहा था कि एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो टू द लू एज वेल? ऑफ कोर्स। थैंक यू। क्या हवा चल रही है आज? दिल्ली तेरी सर्दी। हाँ, सो कहाँ थे हम? ऑक्सीजन। सो डॉक्टर पलक शर्मा, इन्हें लगता है कि जिन पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम्स हैं उन पर ये दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। सो या, आई वाज सेइंग कि एक्सक्यूज मी, काफी ठंडी है ना आज, और ऑफिस के हीटर्स भी काम नहीं कर रहे, बार बार लू जाने का दिल कर रहा होगा। यू वांट टू गो? कैसा ऑफिस है ये? वेयर इज द लू? मैम, दिस साइड।
रहा है मुझे, बट हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हारा एम हमारे टॉप साइंटिस्ट को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करने का था, देन आई एम सॉरी यू लेट। हर चीज वक्त से होनी चाहिए वरना देर हो जाती है। ऋत्विक नून। लैटेक्लिनाइड एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सीधा असर पेनक्रियास की सेल्स पर पड़ता है और उससे कैल्शियम चैनल खुल जाता है और इंसुलिन क्रिएट होता है। बहुत गर्मी नहीं है इस लैब में? वैसे तो लैब का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आज पता नहीं क्या इश्यू है। मैम पानी पियेंगी? प्लीज, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हाय सर। हेलो। क्या चल रहा है? मैं सबको अपनी थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। रियली? पानी? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट पुट इन दिस ड्रग इन द एमबीटीएच मेथड। द ड्रग रिएक्ट्स विद द एमबीटीएच इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन एसिडिक मीडियम। द सॉल्यूशन विल टर्न इनटू अ ब्लू कलर इन 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स? उसमें हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या होने वाला है। या इन 15 मिनट्स वी विल डिटेक्ट नेडेक्लिनाइड। आई वांट टू सी दिस। I'm gonna wait. अगर मैं अभी लू गई ना तो 30 मिनट लग जाएंगे जाके आने में। पानी? Oh, positive. You'll feel better. अरे रेवा सुन, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। देख अब तेरी शादी होने वाली है और बाहर सर्दी का मौसम है तो रिकी और शिवम को ये सब बातें है ना मेरा बेटा समझाएगा। तेरे को तो मुझे ही समझाना पड़ेगा ना, तुम्हारी मम्मी तो बड़ी एलिगेंट है, वो थोड़ी ना तुझे ये सब बताएगी। कौन सी बात है दादी, इज एवरीथिंग ओके? तूने आने वाले दिनों का कुछ सोचा है? हाँ सोचा है, बट समझ से तेरी शादी होने वाली है और नजदीकियां बढ़ने वाली है। यू नो व्हाट आई मीन? नजदीकियां, कंबल के नीचे कुश्तियां। एओ एओ दादी, अरे टीवी पे पूरा दिन यही तो सिखाते हैं कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है। मैं तुझे वही तो सिखा रही हूँ। आई कैन नॉट हियर दिस दादी, नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये मैं सुन ही नहीं सकती हूँ। तू सुनेगी नहीं तो समझेगी कैसे? मुझे समझ नहीं। सुन, तेरे दादाजी और मैं है ना, मेरी पहली रात में ना। नो नो नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। ला 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 What? और ऊपर से दादी और दादी की फर्स्ट नाइट की टॉक मुझे नहीं सुननी। ओ दादी, मम्मी जी तुसी भी आजकल दी कुड़ियां नु तुसी सिखा रहे हो, एक दो लेसन ये आपको दे देंगे। तूने कुछ सिखाया इसे? दादी हां जी, 10 साल पहले ही मैंने इसे सिंपल सेक्स एजुकेशन दे दी थी। हाँ तूने तो ड्राई ड्राई बायो सिखाए होंगे, मैं तो एंजॉयमेंट से सिखाने वाली हूँ। मम्मी प्लीज मेरी शादी करा दो, मुझे पराया कर दो, प्लीज मेरी डोली उठवा दो, पर मुझे चिड़ियाघर से हटा दो। दादी अभी हॉस्पिटल से आयो ना, सत्संग की बातें करो, ये सब छोड़ो। सत्संग में जाए मेरे पुरखे, क्या मैं तुझे बुढ़ी लगती हूँ? मैं तो मरने से पहले जाऊंगी सत्संग। मरे तो आपके दुश्मन दादी जी। ओह माय गॉड बेबी, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर, आई हैव हैड एनफ, प्लीज लेट्स गो, टेक मी आउट ऑफ हियर, चलो। अरे मैं तो दादी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने निकला था। यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग हियर, प्लीज लेट्स गो। कुछ समझाया नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे।
प्लीज मेरी शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। आई विल गेट मी आउट ऑफ हियर। आई डोंट केयर। अरे लंबी एंगेजमेंट का मजा ही कुछ और होता है, है ना माँ? हाँ भाई, जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो अभी शादी करनी है। मामा, I've had enough. Someone speak to your parents, ma'am. I'm getting a call. One minute, हाँ? क्या अजीब ऑफिस है। पहले तो प्रदीप को छोड़कर, फिर जब आए तो मुझे टूट जाओ। फर्स्ट डे काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा ना? एक भी बाथरूम खाली नहीं था फॉर फीमेल्स। थक गई। एनीवे चाय कॉफी भी नहीं पी। और सर को भी पता नहीं कल सारे बाथरूम छुड़वाने की क्या जरूरत थी। कल? हाँ कल बैठे बैठे ऑर्डर दिया कि सब लूज रेनोवेट होंगे तो सब उड़वा दिए। और आज ही सारे इंटरनल एयर कंडीशन खराब होने थे, गर्मी से हालत खराब है। पलक 10 मिनट और रुक जाती तो ये सैंपल पता चल जाता पॉजिटिव है नेगेटिव। नेगेटिव है नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी आई। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या कर रहे हो आप? मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। सॉरी पर आपके ऑफिस में लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। इमरजेंसी, प्लीज एडजस्ट। You know what? I can't wait to get married to you. What's the hurry? Hurry ki to baat hai. Kitna intezaar karaoge yaar tum samar? Had hoti hai na. Are, suno na. I forgot to tell you ki meri ek important client se meeting hai. And maine usko yahin pe bula liya. Tumne bola tha na aaj ka din mera hoga. Bola tha na. Kaam hai and it's very important. Please. You know I'll kill you someday. Tum ghar jao. I will see you in some time. All right then. I'll see you soon, okay? Sure. Come here. Keys. बॉस आपने जब से ये लेडीज टॉयलेट तुरवाया ना, इशू होगा बाय गॉड, है ना? क्यों? हाँ क्योंकि वो मैडम जी कभी भी घुस जाती है ना टॉयलेट में। क्या? हाँ पलक कभी भी घुस जाए तो थोड़ा डेलिकेट मामला हो जाता है। नॉनसेंस, मैं भी देखता हूँ कैसे घुसती है। सॉरी गाइस, आप लोग प्लीज कंटिन्यू। क्या हुआ मिस्टर कैसनोवा, शर्मा गए? चलो आपको शर्म तो आती है? तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। आई कैन सी यू आर डेस्परेट। और बनाया किसने? आपने। एज अ बॉस आपका काम क्या होना चाहिए? हम फीमेल एम्प्लॉइज को अच्छे से अच्छा वॉशरूम प्रोवाइड करना। और आपने क्या किया? आपने सारे वॉशरूम चलवा दिए। मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आपने अपनी सारी फीमेल एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी। क्यों, उनका काम काम नहीं है? सिर्फ आपका टशन है। नो वंडर इस फैक्ट्री से गलत मेडिसिन मिली, क्योंकि यहाँ पर लोगों का दिमाग अपने काम से ज्यादा ये फालतू के गेम्स खेलने में लगा रहता है। हम लड़कियां ना वैसे भी बहुत मेहनत करती हैं टू गेट वेयर वी वांट। ये वॉशरूम ना होने की वजह से हम इतना काम छोड़ के नहीं चले जाएंगे, ऐसा तुम्हें लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मैं सर्वाइव करके दिखाऊंगी। सुनो, डू यू थिंक मुझे पिंक जैकेट के साथ ब्लैक शर्ट पहननी चाहिए थी? नहीं ना, दिस इज बेटर। तुम्हें कोई बाइपोलर प्रॉब्लम है क्या, हमेशा टॉपिक पे ना बात करने की? कम ऑन, कोई नया नाम सोचो यार। हाउ अबाउट रित्विकाइटिस, और बेटर रित्विक फोबिया। इन्हें मेरे फैंस ने मेरे लिए एक वेबसाइट बनाई है, rithvikmania.com। यू शुड चेक इट आउट, इट्स कूल। यू आर अ पीस ऑफ आर्ट। आई नो, आई एम ग्लैड आरुणि तुम्हें छोड़ दिया। शी इज सो ग्लैड। ऑलराइट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कितना रोई होगी ना इन कंधों पर अपना सर पीट पीट कर कि रित्विक नून नहीं मिला उसे। तुम अभी तक यहीं अटके हो? यू आर अनबिलीवेबल। मैं यहाँ अपनी सारी पर्सनल इश्यूज छोड़ के अपने प्रोफेशनली काम करने आई थी, पर तुम एक बच्चे से भी बदतर हो। आई डोंट केयर,
तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम औरतों से इतनी नफरत करते हो, बट लेट मी टेल यू, तुम किसी से नफरत करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे अप्रूवल के लिए नहीं जी रही हूँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरे मॉम डैड फ्रेंड्स, करियर है मेरा जिसमें तुम एक छोटा सा पार्ट हो, वो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम मेरी लाइफ का सेंटर नहीं हो और ना ही कभी बनोगे। और जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम बहुत बड़ा एहसान करो लड़कियों को सबक सिखा के, लेट मी टेल यू, नोबडी केयर्स। और उस दिन जो तुमने मुझे किस किया था ना, वो तुम्हारे लिए टशन था, मेरे लिए इट वॉज एक्सपीरियंस, जो तुमने मेरी पूरी लाइफ के लिए खराब कर दिया। जो डिस्कस्टिंग, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, एंड आई एम श्योर किसी भी औरत की लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। और जो तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड है ना, सेक्स अपील, ड्रामा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तो अपने आप के साथ ये गेम्स खेलना बंद करो, अपनी गंदी सोच को ना फ्लश करो विद द रेस्ट ऑफ योर क्राफ्ट, एंड प्लीज ग्रो अप। कब से तू यहाँ पर? स्टार्ट से हूँ, लेकिन लेक्चर के बीच में कैसे निकलता? उसने तो तेरी ले ली, मेरे सामने और चौंक हो जाती ना तेरी। जाओ, कैन आई वॉश माई हैंड्स? गेट आउट। सैनिटाइजर यूज कर लूंगा। बहुत जहरीली है ना ये लड़की, कड़वे बोल बोलती है, इसकी सारी कड़वा खोल के इसी को न पिला देना। मेरा नाम ऋत्विक नहीं। बात बताओ, लास्ट कपल ऑफ डेज ना हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे इतना दिमाग में एक आइडिया, एक 3-4 दिन की वेकेशन पे चले क्या? पागल हो गया, आई हैव जस्ट जॉइंड, अभी मेरे जिम का टाइम है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी रॉबिन रे। हे बडी, हाउ यू डूइंग? हाय। सुनना, वो आईटी डिपार्टमेंट से मीटिंग है, आई एम डेफिनेटली गेटिंग लेट, प्लीज इन्फॉर्म देम। नॉट अ प्रॉब्लम बॉस, आई गॉट इट। और वो कहते हैं ना, बॉस कभी लेट नहीं होते, एम्प्लॉयज जल्दी आ जाते हैं। आई लाइक यू ऑलवेज। मैं इसको ऑफिस दिखा के कम। तुमसे दबा था और क्या सीखा तुमने? देखो, 3 हफ्ते, 3 साल भी कम होते हैं। और ये लिफ्ट है, चेंजिंग रूम नहीं है। मशीन नथिंग। मेरी लिफ्ट, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी जिंदगी का एक एक पल कीमती है। I value my time and I take care of myself. I'm already late. सर प्लीज आप बैठ जाइए। योगी सर? नो, जब तक इनको सांस नहीं आएगी इनको कोई पानी नहीं देगा। मुझे तो लगा आपको हार्ट अटैक आया, पर हम समझ नहीं पाए कि आप चोक हो रहे हैं। मैंने तो चोकिंग का साइन भी दिखाया था, पर आप में से किसी को समझ नहीं आया, सिर्फ डॉक्टर पलक को समझ आया। डॉक्टर पलक, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। अगर आज आप नहीं होते तो शायद आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड। इट्स ओके सर, ये मेरी ड्यूटी है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। डॉक्टर पलक। यस सर। आपने हमारे एक्सियन को चैलेंज किया ना? जी।
Which college? Pharmacology? Ames. Nice. Donations, eh? First attempt, 94.5 percentile. Dr. Pollock? I would like to see your hypothesis ka demonstration. Kal 11:30 baje in the office? Yes, sir, sure. Thank you. Thank you, sir. Ritvik, आज तो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, कल एक डेमोंस्ट्रेशन कर लेते और वी नीड टू फिनिश दिस फर्स्ट। नो वरीज। इसको क्या हो गया? बॉस, लड़कियों का वायरिंग ही ऐसा है, जो चाहिए होता है, जिसे इंप्रेस करना होता है, उस पे अपना जादू चला ही देती हैं। आई मीन, पालक ने अभी 15 मिनट में इंप्रेस कर लिया मिस्टर सुब्रमण्यम को। रियली? वैसे लड़कियों की वायरिंग के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। यहाँ ये यही तो करने आई है, पैसे कमाने। जहाँ मौका मिलेगा घुस जाएगी। इसको मेरे डैड की मेडिसिन को रिजेक्ट करना है ना, मैं दिखाता हूँ इसे। एलसी, कल लैब कैसे पहुँचती है? मेंस लू, लाइक सीरियसली पलक। अच्छा, तो क्या चॉइस थी मेरे पास? कब तक उस कॉफी शॉप में जाती रहती मैं? कोई एक्शन तो लेना था, तो ले लिया। मेंस लू, यक। यार ये कैसा बंदा है, इसे औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैं तो उसके घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। अपने घर की औरतों को भी ऐसे ट्रीट करता होगा कि? और फिर पेट से लटकी हुई बिना मुंडी वाली चुड़ैल का शरीर पेट से नीचे उतरने लगता है, धीरे धीरे धीरे। बोलता रे दादी। यार ये बड़ा अजीब है, पहले छोटे बच्चों को कहानियां सुना के सुलाना पड़ता था, अब आप हो और वो भी ऐसी भयानक गंदी हॉरर स्टोरी सुनते। आपको पुट्ठे सीधे सपने नहीं आते? सुन रे, कहानी का एंडिंग खराब न कर। पता, फिर बता आगे क्या होता है। दादी की हॉरर स्टोरी की चुड़ैल बनके क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ? चुड़ैल लग रही? जब एक लड़की इतना चुपचाप बैठी होती है ना, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि तू कुछ सोच रही है जो कि तुझसे होगा नहीं, या फिर तू किसी का इंतजार कर रही है, बहुत गुस्से में है, किसी का सर फाड़ने वाली है, बम की तरह खुद फटने वाली है, तो इधर ब्रेकिंग डाउन और यू नीड अ हग और ऑल ऑफ द अबव। नाउ माय लिटिल हाइनेस, आपको इन सब चीजों में से क्या इफेक्ट हो रहा है? नन ऑफ द अबव, कोई स्ट्रेस नहीं है। You know, a strong woman looks the challenge in the eye and gives it a wink. I see. वैसे भी तुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा। स्ट्रेस तो समर को लेना चाहिए। जिंदगी जब बर्बाद होने वाली है उसकी। Seriously, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। You get some sleep. I'll see you tomorrow. ओए, सब ठीक है ना? क्या? Yeah. Boss. कल की सेटिंग हो गई है, अब डॉक्टर पलक जीरो, हम नंबर वन। परफेक्ट। मैं समझ सकता हूँ यार, भरोसा तोड़ा है ना उसने तेरा। हाँ, exactly. इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे, जवाब मांगने। यहीं पे आने वाली हूँ। और ये आवाज किसकी है यार? इतनी घटिया आवाज वाले को ना कैरियर के नाइट से निकाल देना चाहिए। बहुत घटिया आवाज है, बंद करवा। हे खुदा, हेलो, ओ कहाँ खो गया भाई? छा गया, तुम मिले तो जीना। ये वही लड़की है ना, वो जर्नलिस्ट जिसने हमारी धजिया उड़ाई थी, और ये इतना गंदा गा रही है, तो तू इसको देख क्यों रहा है? रो, आवाज डजंट मैटर, हिम्मत चाहिए, चाहत चाहिए उस स्टेज पे खड़े देखे ऐसी आवाज में गाने के लिए। तू कर सकता? हाँ कर सकता। नहीं कर सकता? कर सकता। नहीं कर सकता? उधर देख कितनी प्यारी लग रही है, और मैं आ रहा हूँ एक मिनट में। जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। I'm really sorry about that day. Actually, मैं ना बताने वाली थी तुम्हें कि क्या प्रॉब्लम थी। जो भी तुमने किया अपने दोस्त के लिए, मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। बुरा लगा मुझे, लेकिन life is too short to hold a grudge. क्या लेंगे आप? मियामो? I think watermelon juice is fine. All right. Yeah.
हाय अमन रोहित फ्रेंड बाय द वे स्पैनिश में ना मी अमोर का मतलब माय लव होता है वही कह रहा था वो यार से तू घर से फोन आया था मम्मी की असिस्टेंट राधिका को हार्ट स्ट्रोक हुआ है चल जल्दी चल अरे एक सेकंड अरे लेकिन अरे अजीब कहाँ चली गई स्टेज इज सेट डॉक्टर पलक आओ डेमोंस्ट्रेशन करो बॉस बहुत इंप्रेस होने वाले मुझसे ओह माय गॉड मम्मा येलो सलवार धोने में पिंक दुपट्टा ड्राई क्लीन में अब ठीक है अच्छा सुनो यार मुझे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग का काम है मैं सॉरी मैडम आप लोग देख के काम नहीं कर सकते अपनी मैम हम तो स्क्रैच पेंटिंग कर रहे थे आप बीच में आ गए देख के काम करो यार अपना काम ढंग से करो प्लीज लगता तुम जहाँ जाती हो वहां पे परेशानियां तुम्हारे पीछे पीछे आती ऊपर से नीचे तक पुत चुकी हो तुम तुम्हारे प्रोफेशनल ड्रेस तुम्हारे बाल तुम्हारे गाल तुम्हारे गर्दन तुम्हारे जस्ट स्टॉप राइट देयर आई एम जस्ट सेइंग कि टेक अ डे ऑफ जाओ नहा लो आई एक्चुअली गो टू अ स्पा वो तुम्हें अच्छी तरह से स्क्रब कर देगा हम भी कर सकते हैं बट डोंट यू क्रॉस योर लिमिट्स अनप्रोफेशनल रॉबिन डेमोंस्ट्रेशन आधे घंटे में है ना और नून बायोटेक्स का लैब तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करता है और डॉक्टर पलक तो इस हालत में मैं जा नहीं पाएंगे इट्स टू कंटामिनेटेड तो एक काम करो डेमोंस्ट्रेशन कैंसिल कर दो नो नीड अभी भी 30 मिनट्स बाकी है और मैं अपना डेमोंस्ट्रेशन कंप्लीट करके रहूंगी 30 मिनट्स में नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी दैट्स व्हाट यू वांट राइट गलत समझ मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूं यू नो कुछ लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं जो तुम नहीं हो लेकिन जो होती हैं वो बहुत लिटिल होती हैं कुछ लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं वो भी तुम नहीं हो लेकिन कुछ लड़कियां वो स्मार्ट होती हैं जिनके दिमाग में ना बहुत सारी खुशफहमियां होती हैं तुम उस कैटेगरी को बिलोंग करती एक और कैटेगरी जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं सुना नहीं होगा आपने नया है बी अ स्पोर्ट प्ले फेयर फॉर वंस एटलीस्ट बॉस ऐसे कैसे बोल दिया उसने मैं ना उसको ब्लॉक कर देता हूँ फिर वो लैब पहुंच नहीं पाएगी देन शी हैज टू क्विट बी अ स्पोर्ट प्ले फेयर आई लव दैट लाइन मी टू मुझे भी लगा हाय सर हाय सर हे गाइस हू टाइम 11:29 बॉस वो नहीं आएगी चांस ही नहीं है ऑफिस में कोई लेडी नहीं कि उसे हेल्प कर दे अब क्या पत्ते पहन कर आएगी इतने सारे एडम्स के सामने ये बन के मतलब तू रहने दे बंदू डेमोंस्ट्रेशन जो कर हेलो एवरीवन मेरे केबिन के पर्दे पहन रखे उसने Let's begin the test. Sure. आपके Tom Ford. Shut up. मैंने सोल्यूशन चेंज कर दिया अब जैसे वो मिलाएगी बूम
डायबिटिक पेशेंट्स की अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है. एज पर माई स्टडी दिस मेडिसिन इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स बट नॉट फॉर पेशेंट्स विद रीनल प्रॉब्लम्स. और मेरे ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम्स थी लीडिंग टू हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर लेवल. और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है रेपिग्लेनाइड जो हम जानते हैं लिवर मेटाबोलाइज करता है और किडनी पे नो स्ट्रेस. लॉजिक तो सही है तुम्हारा पर बाकी हॉस्पिटल ने भी हमें रिपोर्ट दी है लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन ये तो नहीं थी. सर हो सकता है जिन डायबिटिक पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया है उन्हें किडनी प्रॉब्लम्स थी और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम कभी दिखी ना. डॉक्टर पलक गुड ऑब्जर्वेशन गुड जॉब डन. ऋत्विक हमें फेज टू इनिशिएट करना होगा. वी हैव टू गेट ऑल द थिंग रीचेक डन. बाय गाइस. बाय सर. मिथेनॉल को विनेगर से रिप्लेस कर दिया. नेटेक्लिनाइड को बेकिंग सोडा से रिप्लेस कर दिया. नाइस मूव. पर क्या है ना बचपन से ही मैं डेंजर और डिसेप्शन दूर से ही सुन लेती हूँ. विनेगर और मिथेनॉल की स्मेल बहुत डिफरेंट होती है. पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है. तुम सेक्रेटरी ठहरे इतने बड़े कौन मैन. यू हैड टू डू इट. पापी पेट का जो सवाल था. एक्सक्यूज मी. यू नो व्हाट आई कैन स्मेल. घमंड. अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है. पर छोड़ो मैं तुमसे इस बारे में बात क्यों करी. तुम तो ये बताओ कि मेरी लक कैसी रही. वो क्या है ना कि तुमसे डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पूछती बट मैंने कहीं सुना है एन एवरेज मैन कैन सी मोर देन ही थिंक्स. तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं. कॉम्प्लीमेंट तो मैं तुम्हें जरूर देता पर तुम जाके सुब्रमण्यम से ले लो ना बिहाइंड क्लोज डोर्स जहाँ तुमने इसे इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मनाया था. सेकेंड केस आई प्रिज्यूम या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एज आई सेड तुम्हें मुड़के कौन देखे. कोई ना कोई जादू तो तुमने उस पर जरूर किया है ना. ओके विद दैट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम वही इस्तेमाल करते हैं ना जो जी कितनी घटिया सोच है तुम्हारी. यू आर ऑब्नॉक्शियस. एब्सोल्युटली आई एम ऑब्नॉक्शियस एंड यू आर ऑपोर्चुनिस्ट. या विशाल बुक मी फॉर 2 आवर्स ऑफ किकबॉक्सिंग. किसी का मुंह तोड़ने का दिल कर रहा है. अ पीस ऑफ एडवाइस अपना वक्त जाया करना बंद करो. बड़ी बड़ी गलतियां भी सुधारी जा सकती हैं. बहुत से पंगा लोगी ना सुधारने लायक नहीं छोड़ूंगा. आई एम मेरी मीटिंग्स 2 घंटे आगे कर देना. मेरा फोन ऑफ है डोंट ट्राई टू कॉल मी. लकी होगी वो भी. ओह माय गॉड ही सो हॉट. तो ये मामला है. अब देखना ऋतिक मैं तुम्हें तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखाऊंगी. बी रेडी. बाय बाय. 9 बजे को बॉस का मीटिंग है उससे पहले मैं कैसे जाऊं. बाय बाय. यस थैंक यू. बाय रॉबिन. बाय बाय. बाय 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 बाय. Oh my! What happened, girl? रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारे बॉस रिकी से मिलना है अभी. Oh God! और एक छोटी लड़की. Babes, बॉस ऑफिस में नहीं है. वो स्पेशल डिनर पे गए हैं. Understood? And I don't know किसके साथ. तो अपने आंसू ले जाओ यहाँ से और टेकिला के साथ पी जाओ. वैसे भी बॉस मूड में नहीं है आज. मुझे पता है वो. मुझे पता है किसके साथ क्या होगा. उस विशाल के साथ क्या होगा. I'm sure. विशाल लड़की का नाम. विशाल नहीं वो एक लड़के का नाम है. किस लड़की को क्या लगता है कि मैं बड़े खानदान से तो वो कुछ भी कर सकता है.
I thought उन्हें लड़कियाँ पसंद हैं। नहीं, वो सब एक दिखावा है। तुम्हें पता है today only I caught Ricky and Vishal red handed on the bed doing some. You understand what I'm talking about, right? You understand? Oh God, मेरी तो life भी खराब होगी। I don't know what to do. I don't know what to do. तुम imagine करो, एक लड़के से इतना प्यार करती है और उसे पता चले कि वो एक लड़के में interested है। Oh my God, मैं क्या बताऊँ? मेरा तो दिल ही टूट गया। I can't tell you how I'm feeling right now. Come here. You know what? Go home, eat some chocolate. जब दिल टूट जाता है ना, वही काम आता है। Oh man, मेरी बैग तोड़ दिया इस साले ने। 150 किलो का मॉन्स्टर चढ़ गया यार आज तो। बुरा हाल कर दिया ब्रो उसने। Yeah. Hey, thanks man. बाद में पीऊंगा। गई बैग मेरी। भाई आज तो उसने बहुत भड़ास निकाली अपनी। रियली? हाँ यार, कर 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 यार। यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता था कि आप भी डूड इज दी इन थिंग, सब कर रहे हैं आजकल। अच्छा यार, योर फिंगर्स आर मैजिक यार रॉबिन, करना, गो फॉर इट, गो फॉर इट। क्या कर रहे तू? मुझे लगा कि आपको अच्छा लगे। आई मीन यू सेड गो डाउन, सो ए डाउन मसाज करने को, इतना डाउन जाने को किसने कहा तुझे? यू नो आई अंडरस्टैंड, डरो मत, मैं उन एम्प्लॉयज में से नहीं हूँ जो तुम्हारे क्लोजनेस का फायदा उठाएगा। कह दो ना दिल की बात, आई नो यू लाइक इट। डू चिल, किसने ताले तेरे दिमाग में ये सब? तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड है, उसे सब पता है तुम्हारे और विशाल के बारे में। यू नो वॉट, दैट रास्कल वाज रियली हार्ड ऑन मी, और मैं बहुत ही जेंटल हूँ। ओए विशाल, मेरा ट्रेनर मिक्स मार्शल आर्ट्स, स्पारिंग कर रहा था मैं उसके साथ ब्रो, ऑब्वियसली ही विल बी हार्ड ऑन मी। क्या हो गया तुझे? तू चल यार, तू चल यहाँ से, चल बाहर जा, बाद में बात करेंगे, चल तू। उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? जूता उठा के मारूंगा, चल निकल यहाँ से, चल। विशाल में ऐसा क्या है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार? सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोगों का कुछ पर्सनल मोमेंट चल रहा है। मैं तो बस ये जैकेट देने आई थी, यहाँ रख दो। वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट या टैट फॉर टैट, वैसे एक एडवाइस है आपके लिए। मुझे लगता है आपको अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को वापस बुला लेना चाहिए, स्पेशली योर फीमेल सेक्रेटरी। सॉरी, वैसे आपको पता लगा जब आपकी फर्स्ट किस खराब होती है तो कैसा लगता है? आपकी भी तो पहली थी ना किस, ऐसी वाली। दुनिया की बेस्ट लैब से अपनी दवाई को अप्रूव कराना है मुझे। Yes, Alliance Research Center. I don't care कितने पैसे लगने वाले हैं। I want a stamp on Exigen. You understand? इस डॉक्टर पलक को उठा के बाहर फेंकना है मुझे। अरे पर बताना भाई, हुआ क्या है? And next time, अगर तुम मेरे लिए कोई पर्सनल सेक्रेटरी हायर करो, freaking do a background check, you idiot. Oh wow, the great Ritvik Noon's scary smile. बहुत मजा आता है ना तुम्हें ये इमेज मेंटेन करने में? You really like it. And you like playing games? I must say I'm slightly impressed. अच्छा खेल लेती हो तुम। Really? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? The great male chauvinist pig मेरी तारीफ कर रहा है? तुम्हारे मेल ईगो को बहुत हर्ट हुआ होगा ना? जब ये एक्सेप्ट कर ही लिया तो एक काम और कर ले। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस हैं। मुझे सॉरी कह दो, मेडिकेशन चेंज करवा दो, अपनी गलती मान लो, या फिर एक्सेप्ट कर लो कि तुम गलत हो और मैं सही। ना ना दीपा, रॉन्ग आंसर। कौन बनेगा करोड़पति? डेफिनेटली नॉट यू। वैसे तुम्हारे मेल ईगो के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था ना ये दिन। टेक सम रेस्ट। मेल ईगो वीक लोगों के लिए होता है। मेरा नाम जानते हो? ऋत्विक नाम। तो कौन करवाता है तुमसे ये सब? शायद तुम्हारा टूटा हुआ दिल
जो किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, एक औरत जो तुम्हें छोड़ के चली गई किसी और के लिए, फॉर मोर मनी, फॉर इंटेलिजेंस, गुड लुक्स, मे बी फॉर अ रियल मैन। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो तुम? एक आदमी जो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को फर्नीचर की तरह ट्रीट करता है, औरतों से बात करने की तमीज तक नहीं। मुझे तरस आता है यार तुम पर, उस लड़की पे तरस आता जो तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुमसे शादी करेगी ये सोच के कि ऋत्विक मैम बहुत अमीर है, बहुत गुड लुकिंग है। बट लेट मी टेल यू, तुम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स लो एस्टीम वाले वुमन हेटिंग ब्रैट हो। आई थिंक तुम्हारी मॉम ने ना पेपर में फोटो देखी है मैंने तुम्हारी मॉम की, उनको देख के लगता है बहुत अच्छे काम किए होंगे उन्होंने, बस एक ही गलत काम हो गया। तुम जवाब तो मैं भी दे देता हूँ, लेकिन मैं क्या है ना कि मेरी माँ ने सिखाया है कि औरतों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और भी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया उनसे, पता नहीं तुम्हारी माँ ने तो एक सेकंड में जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ तुम्हारी। मैं डोंट पुश योर फ्रिकिंग लक, यू अंडरस्टैंड, मुझसे कुछ ऐसा मत करवाना जिसकी वजह से तुम सारी जिंदगी रिग्रेट करो। एक और जो तुम्हें छोड़ के चली गई किसी और के लिए, फॉर मोर मनी। मॉम प्लीज, होने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं जा रही हूँ। जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए पैसा सबसे जरूरी होता है, बाकी सब झूठ होता है। कल इस ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन है पलक शर्मा। अमन मेरे PSOs भेज दे, मीटिंग्स कैंसिल कर, मैं घर जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं, हमारा सफर शायद यहीं तक था। वैसे ये पलक का आईपैड है, वो भूल गई, मैंने देखा वो डेटिंग ऐप में है, कुछ किया जा सकता था पर एनीवे मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। ओए सेंटी क्यों हो रहा है, दिस वॉज अ स्मार्ट मूव ब्रो, जो अंदर किया That maybe not. It's just that I'm not that type, you know. At least इस जन्म में तो नहीं होने वाला। इस वाले में नहीं तो अगले वाले में। लाइन मारना बंद करेगा। वैसे भी जो मेरी हरकतें हैं ना, मैं अगले 3-4 जन्म तो बिजी हूँ। Not coming to that side. शक्ल का बना रहा है। वैसे भी तेरा वर्क एथिक ना जीरो है, देख लिया मैंने। You can stay. बट एक शर्त पे, मेरे ऊपर ट्राई नहीं करना। कहीं और करना। ठीक है, मैं भी बहुत डिमांड में हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। Of course, that muffin. Sorry, I won't touch you. Sorry, my bad. By the way, ये रहे पलक के पासवर्ड्स। What? ये कैसे है तेरे पास? I have my ways. कमीने। Good job. एक जमाना था जब लोगों के दिल का हाल उनकी आंखों में देखकर पता किया जा सकता था। Times have changed. अब उनके फोन्स और टैबलेट्स में देखना पड़ता है। बहुत लेक्चर देती हो तुम डॉक्टर पलक, तुम्हारा तो वो हाल करूंगा मैं।